नमस्कार न्यूज 17 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेश गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं निवाड़ी में चल रही गुटबाजी की। निवाड़ी में लगातार कोई भी कार्यक्रम हो या कोई आयोजन हो, लगातार गुटबाजी कहीं ना कहीं से सामने आ जाती है। हम पहले बात करेंगे जब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, जिसके बाद प्रमोद केवट नामक शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद भी लगातार बयानबाजी हुई है। जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उसका करारा जवाब दिया और उन्होंने आरोपों को नकारा है। जिसके बाद एक और नया मामला सामने आ गया है निवाड़ी जिले की राजनीतिक गुटबाजी को लेकर। निवाड़ी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमती सरोज राय ने एक प्रेस वार्ता कर क्षेत्रीय विधायक पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आइए आज हमारे द्वारा की गई तैयार एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को निवाड़ी जिले की गुटबाजी के बारे में रूबरू कराएंगे। चुनाव नजदीक आते ही अब निवाड़ी जिले में भाजपा की गुटबाजी साफ सामने आने लगी है। अब भाजपा के नेता ही अपने नेताओं को लगातार विवादों के घेरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं। चाहे कोई नेता का कार्यक्रम हो या पार्टी का कार्यक्रम, लगातार बयानबाजी और वाद विवाद खुलकर सामने आ रहा है। बीते दिन पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने एक मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रमोद केवट नाम के एक व्यक्ति द्वारा राशन घोटाला सहित तमाम घोटालों पर किसी का नाम तो ना लेते हुए भाई साहब के नाम पर इशारा किया गया, जिस पर विधायक ने खुद प्रतिक्रिया दी। उसी के बाद विधायक द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान निवाड़ी में खुद आरोपों को नकारते हुए किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कारण करने की बात कही थी। यहां तक कि यह मामला अभी शांत नहीं हुआ और एक और नया मामला प्रकाश में आया, जहां निवाड़ी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरोज राय ने ओरछा थाने में एक मामला दर्ज कराया, जिसमें अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। पूरा मामला जानने से पहले देखें यह वाद विवाद का वीडियो। साले मारने को चोट मारने की कोशिश कर रहे सरकारी पुलिस वाले हैं। अरे तो गाड़ी दे दो, तुमने कहा ढक्का दे दो, शांति रखो, ये बात चल नुकसान चलो चलो आप लोगों ने वीडियो तो देखा होगा जिसमें वाद विवाद हो रहा है, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य द्वारा निवाड़ी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विधायक पुत्र सहित अन्य लोगों पर घटना को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि विधायक पुत्र का नाम आवेदन में लिखा था जबकि पुलिस ने नहीं लिखा। यह कहाँ तक उचित है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले प्रमोद केवट का वीडियो। सब एक मैसेज लेके जाएं यहाँ, और मैसेज ये है कि निवाड़ी बदलाव मांग रही है, और ऐसा बदलाव नहीं, एक बड़ा वाला बदलाव। और आज ये आप सबके माध्यम से देखा पूरे निवाड़ी में, बहुत बढ़िया। और जैसे आप लोगों ने आज साथ दिया हमारे मित्र नंदराम कुशवाहा जी का, क्योंकि हम उनके मित्र हैं और मित्र करने फिर कुछ नहीं देखा जाता, मित्र मित्र होता है ना, स्थिति परिस्थिति और कुछ नहीं देखा जाता। निवाड़ी में बदलाव चाहिए, निवाड़ी की जनता भी त्रस्त हो चुकी है। बहुत बढ़िया। 9.5 करोड़ का आपका, 9.25 करोड़ का जनपद घोटाला, आपका 5.5 करोड़ का विवाद सहायता राशि घोटाला, 33 करोड़ का गरीबों का राशन घोटाला, और जो गरीबों के लिए पैसा आता है अंत्येष्टि का भाई साहब ने उसका भी घोटाला, और बगल में ये जो आपके सर्किट हाउस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यही जिले के संभ्रांत लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा है कि जो शौचालय की सफाई के पैसे आए वो भी भाई साहब ने उड़ा दिए। ऐसे भाई साहब को तो विदा दे दो, विदा। बहुत बढ़िया। अगर अगली बार भाई साहब आते हैं तो पिड़िया बिकेगी, पिड़िया।
अब प्रमोद केवट का वीडियो आप लोगों ने देखा, अब इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निवाड़ी विधायक अनिल जैन का क्या कुछ कहना है यह भी आप देखिए। मैं मित्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने, देश में 80-80 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और उसके लिए आप सबकी इसलिए भी आशीर्वाद की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा वो करने का काम किया। आप लोग कभी कोई कल्पना कर सकता था कि निवाड़ी को जिला बनाने की जब बात हुई तो निवाड़ी जिला कैसे चुटकी हो में बन गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पूरा मध्य प्रदेश चौंक गया कि निवाड़ी में ऐसी क्या बात थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने वायदे के मुताबिक निवाड़ी को जिले बनाने की सौगात दी, और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ विकास का एजेंडा लेके निवाड़ी जिले को विकसित नहीं छोड़ी है, जितना कर सकता था उनका करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की वो जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के तहत अकेले निवाड़ी विधानसभा में 400 करोड़ रुपए खर्च करके घर घर पानी देने का काम, माताओं बहनों को देने का काम किया। अकेले 150 करोड़ से ज्यादा की सड़कों के काम निवाड़ी विधानसभा में करने का काम किया। राम राजा लोक बनाए, जामनी बेतवा पैसे पुल बनाए, 52,000 से लगभग लाडली बहनों को मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को सौगात देने का काम किया। आयुष्मान प्रधानमंत्री जी की योजना का हजारों लोगों को जीवन दान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ आपके कहने की आवश्यकता नहीं। हम चुनावी समर में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ जीते, बहुमत के साथ जीते, विधायक आपका भारतीय जनता पार्टी का जीते, कौन चेहरा होगा कोई पता नहीं, लेकिन विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीतना चाहिए। आपका समर्थन की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनेगी, देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार बनेगी, तो भारत एक नए नक्शे के कदम पर चलेगा, मध्य प्रदेश नए नक्शे के कदम पर चलेगा, और निवाड़ी जिले को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मित्रों पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा जो शीर्ष नेतृत्व मंच पर बैठा है, आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद की इसलिए भी जरूरत है कि जो कहा वो करने का काम किया, कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर भी खबरों का बात कर रहा हूँ, आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे, और अगर ऐसा किया हो तो दोनों हाथों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। मेरे प्राण जब तक हैंगे आपकी सेवा करने का अवसर, जब तक मौका लगेगा जब तक करने का काम करूंगा। मेरा जीवन आपके लिए है, मैं मरूंगा तो आपके लिए मरूंगा, जीऊंगा तो आपके लिए मरूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए करने का काम करूंगा। मित्रों भरोसा रखना, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें आप शर्मिंदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मैं शर्मिंदा हूं, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरा मंच का नेतृत्व तो शर्मिंदा हो। मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका पूरा जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। जब तक जान होगी पूरी ताकत के साथ आपके साथ चलने को तैयार रहूंगा। इसलिए मित्रों बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद और धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसा ही बना रहे। अभी आप लोगों ने दोनों व्यक्तियों को देखा और सुना, यह बयानबाजी आज भी लोगों के चर्चा का विषय है। इसके बाद एक और नया मामला सामने आया जो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा था। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य द्वारा क्या कुछ कहा और सुना गया ये सुन लीजिए। आज हमने इसलिए बुलाई है कि पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में माननीय भूपेंद्र सिंह यादव मंत्री जी थे, वहां से आए जन आशीर्वाद यात्रा से, तो मेरी गाड़ी से रमेश खंगाल सोनू यादव की गाड़ी ने ओवरटेक करके कर रहे थे, तो मैंने किया ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा मेरा। मैंने अपने ड्राइवर को रोका कि आज तुम साइड से गाड़ी लगा लो, पीछे हो जा, क्या होता है गाड़ी से आगे पीछे को, तो बस हमने अपनी गाड़ी पीछे कर ली। तो यहाँ से ओरछा चले गए, ओरछा गए तो राम राजा के दर्शन करने गए, तो वहाँ जीनों पर धक्का डाई हुई सोनू यादव, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बोला कि आप ऐसे साइड से जाओ, तो महिला सुरक्षा के लिए हम लोग तो साइड से हो जाओ, तो उनसे गाली गलौज करने लगे, धक्का डाई करी,
सोनू यादव, सोनू यादव क्या कंट्रोल रूम में के उसे पहुंचे, हम अपनी गाड़ी में बैठ गए, दोनों सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए, सब लोग गाड़ी हमारी चालू निकल गई तो गाड़ी रोक के खूब कस के ऐसे कांच में डॉक्टर आए, लाल सिंह आलन लगे और बोले किसने रोकी गाड़ी? सोनू यादव, रमेश संगार सोनू यादव ने गाड़ी रोकी और कस के देने लगे गाड़ी में। मैंने की भैया क्या है? तो सिक्योरिटी गार्ड उतरे तो बस उनसे गलीबान पकड़ ले, सीना झटकी करने लगे उन लोगों को। तो दूसरे उतरे उस गाड़ी में तो उनको भी यही हाल किया। तो अनिल जैन रोहन राय रोहन जैन बगल में खड़ के हमला करवा रहे थे वहीं, जो सब लोग वहीं थे खड़े थे वहीं पास में, वीडियो में है पूरे, आप वीडियो देख सकते सब लोग। एफ आई आर दर्ज चाहते उनको सकते जो चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हुई है एफ आई आर दर्ज, ना रोहन जैन का नाम है उसमें नहीं लिखा। बार बार परेशान किया जा रहा है, उन्हें एफ आई आर लिखने लिखवाने के लिए गई तो 9 बजे 10 बजे से मैं सुबह 4 बजे तक थाने में बैठी है, कोई एफ आई आर दर्ज नहीं। मेरी माँ के ऊपर परसों जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 22 तारीख को और शाम में पहले मंदिर में सीढ़ियों पर धक्का दिया गया, फिर कंट्रोल रूम के पास गाड़ी से जाते टाइम रोक कर रमेश कंगार, रोहन, अनिल जैन, सोनू यादव, निर्भय यादव, ब्रजेंद्र परिहार एवं अन्य दो लोगों के द्वारा उनको गाड़ी में गेट लातों से मारा गया गेटों में, और फिर गनमैन को उतार के उसके साथ बदतमीजी की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, जितनी भी अभद्रता हो सकती थी उन्होंने सब चीज़ों की सीसीटीवी कैमरों में कंट्रोल रूम के मंदिर में कैद है, उसको भी आप लोग सबूत के तौर पर देख सकते हैं। कौन है रोहन अनिल जैन? रोहन अनिल जैन, अनिल जैन का बेटा है और अनिल जैन विधायक है निवाड़ी के, उनके सारे भी ये घटना हुई, वो लगातार उनके द्वारा इससे पहले भी मेरा घर, मेरा क्रेशर, मेरी फार्म हाउस, मेरी कृषि भूमि, मेरा वाटर पार्क सब सरकारी करा दिया गया नियम विरुद्ध तरीके से, मैं सब साक्ष्य आपको दे दूंगा, नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी कराया गया और मेरी बुआ का भी मकान तोड़वाया गया और लगातार मेरे ऊपर गाय को मारने की झूठी FIR कराई गई, मेरे ऊपर 3, 420, 468 के भी झूठे आरोप चुनाव में जिला पंचायत में दर्ज कराए गए जिसमें सब में खात्मा लगा हुआ है, कुछ को न्यायालय ने धाराओं को प्रथम दृष्टा खारिज किया, 307 की FIR झांसी बरुआ सागर थाने में मेरे ऊपर दर्ज कराई गई जिसमें भी FIR लगा, ये जांच में हम निर्दोष साबित हुए, इस तरह से लगातार मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, भविष्य में भी अनिल जैन, रमेश कुमार और ये लोग सब मिलके मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरे ऊपर मेरे परिवार के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्राणघातक हमला करवा सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र रख सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रच के हमें झूठे केस मुकदमों में फंसा सकते हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद और आशा है। ये कब की घटना है और किस कार्यक्रम के दौरान की? ये जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम के समापन के बाद की घटना है, जब घर को वापस लौट रहे थे और 22 तारीख की घटना है। विधायक के द्वारा उनका जो भी रीजन हो, इस क्षेत्र की जनता का मुझे बड़ा प्रेम और हमेशा मिलता रहा है, उसका साक्षात उदाहरण मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष, मैं जिला पंचायत का सदस्य इस रूप में आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, मेरी ताई जी सरपंच है, मेरा एक भाई सरपंच है, इससे पहले मेरी माता जी 17 वर्ष सरपंच रही, लगातार हम सारे चुनाव में विजय होते हुए आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये हजम नहीं होता है, हम उनकी चरण वंदना नहीं करते हैं, उनके यहाँ जी हजूरी नहीं करते हैं, हम अपनी स्वाभिमान से राजनीति करते हैं, पार्टी की गाइडलाइन पर राजनीति करते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता। वर्तमान विधायक वो चाहते हैं कि लोग हमारे जी हजूरी करेंगे, वो लगातार यही है, पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने शोषण किया, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को शोषण किया उन्होंने, जो प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं, शासन प्रशासन पर वो पर्याप्त दबाव बनाकर रखते हैं, पर्याप्त अनैतिक कार्रवाइयाँ वो कराते हैं, इसका साक्षात उदाहरण है कि मेरी माँ को 24 घंटे थाने में बैठना पड़ा जब जाके FIR, और FIR हुई और FIR के पश्चात क्रॉस केस में झूठा मुकदमा मेरे पिताजी पर और उनके अन्य 3 साथियों में सुरेश पाल पर, जो जिला अध्यक्ष पाल समाज का और किसान मोर्चे में जिले का अध्यक्ष, उस पर झूठी FIR कर दी गई, वो था ही नहीं, किसी वीडियो में साक्ष्य में नहीं है, सिर्फ वो बस हमारा साथी है, मित्र है, इस कारण से उसको भी फंसा दिया गया, अन्य 2 लोगों को और भी फंसाया गया, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरे में नहीं है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आपकी नजर आपने संगठन लेवल पे बात, मैंने बात पहुंचाई और अभी कल बड़ा कार्यक्रम है, उसके पश्चात मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस कार्यक्रम के बारे में बात रखूंगा, क्योंकि जिले की प्रथम नागरिक है मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष, उनके ऊपर इस तरह से प्राणघातक हमला होना बड़ा ही निंदनीय है और भविष्य में कोई भी इस प्रकार की घटना घटित होने की पूरी उम्मीद है, जब तक दोषियों पर सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है।
अभी बीजेपी की गुटबाजी आप लोगों ने साफ तौर पर देखी होगी, लेकिन बीजेपी में चुनाव से पहले गुटबाजी सामने आ गई है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गुटबाजी के कारण बीजेपी का क्या माहौल बनता है और किसको टिकट मिलता है और कौन कौन जो प्रत्याशी बनेगा उसका समर्थन करेगा। आप लोगों को खबर कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से लगातार अवगत कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी प्रकार की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।